नमस्कार दोस्त, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, वीडियो किस चीज़ के ऊपर आधारित है आज का, ये तो आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा और अभी भी देख पा रहे हैं कि LIC प्रीमियम पेमेंट आप कहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारा सवाल था, हमने दोनों ही पोर्टल के ऊपर अपने हमारे पुराने चैनल पर वीडियो डाला था, फिर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कहाँ से करें, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, RNFA पे नहीं दिख रहा है, स्पाइस मनी में नहीं दिख रहे, असल में क्लियरिटी नहीं मिल रहा था कहाँ पे दिख नहीं रहा है और वजह क्या है। सो नेगेटिव पॉजिटिव कोई चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सर्विस से मतलब है, कहाँ से आपको इजीली सर्विस मिल जाएगा इस बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो इससे पहले हम लोग चले आएंगे अपनी पेटीएम के अकाउंट पर, आके मैं इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए LIC को मैंने चूज़ किया और यहाँ पे एक पॉलिसी नंबर डाल रहा हूँ। जो पॉलिसी नंबर मेरे हाथ में इस समय है, एक अभिजीत का है, 4090434 56, ठीक है, ये एक पॉलिसी नंबर है। गेट प्रीमियम में मैंने क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा है पॉलिसी नंबर अभिजीत देवनाथ, ड्यू फ्रॉम 28/1/2022 और ड्यू टू 28/1/2022 ही है, ठीक है। मतलब प्रीमियम पे करने का जो डेट है वो 28/1/2022 लास्ट डेट है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो एक है, मतलब कोई फेल नहीं है, पीछे कोई पेंडिंग नहीं है। अब मैं दूसरा डालता हूँ, एक ही दिन में दो पॉलिसी हुआ है, 456 और 457। गेट प्रीमियम में मैं क्लिक करता हूँ, ये लिपिका दास है, मेरे मिसेस के नाम से है, पॉलिसी सेम डेट का है तो सीरियल नंबर सिर्फ लास्ट में चेंज हुआ है। इनका भी लास्ट डेट 28/1/2022 को है और प्रीमियम का अमाउंट 5001 रुपया, एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी है, कोई पिछला पेंडिंग नहीं है। इसके बाद हम चले जाएंगे स्पाइस मनी में, क्योंकि पेटीएम से हमें कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है। अगर हमें कमीशन वाला काम करना है तो हमें जाना होगा किसी ऐसे पोर्टल में जिस पोर्टल में हम लोग का रिटेल ID चलता है। स्पाइस मनी पोर्टल में आके हम लोग LIC बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इशू है कि बहुत टाइम से LIC का पोर्टल खुला हुआ था तो मुझे एक बार लॉग आउट करना होगा और मुझे फिर लॉगिन करना होगा। सो मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया और पोर्टल में सफिशिएंट पैसा भी है और फिर मुझे LIC बटन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे LIC का पेज जो है वो खुल गया। मैं फिर से अभिजीत वाला नंबर डालता हूँ, 4090434 56, यह पॉलिसी नंबर, सॉरी यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल दिए, यहाँ पे अभिजीत का नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू टू पे में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ड्यू डेट जो है 28/1/2022 है, सेम प्रीमियम 3043 रुपये, इंस्टॉलमेंट नंबर एक ही है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और फिर इसको 4556 के 7 करके कंटिन्यू टू पे बटन पर क्लिक करता हूँ और ये लिपिका दास का पॉलिसी नंबर है, देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, नो पेमेंट ड्यू फॉर द पॉलिसी। हालांकि सेम पॉलिसी नंबर है, 4090434 57 434 457, यहाँ पे दिख रहा ड्यू है, स्पाइस में नहीं दिख रहा ड्यू, क्योंकि सेम इशू जो है मैंने सामना किया था। मैंने सोचा था स्पाइस मनी का जो सुविधा से प्रीमियम होता है वह से बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इस खुशी में बहुत सारा प्रीमियम एक साथ ले लिया था किसी बंदे से, लगभग 16 या 17 LIC प्रीमियम मैंने ले लिया था, वो एजेंट था और अभी रेगुलर हमें ही देगा पॉलिसी बोला है, तो हमने इनसे ले लिया था और इसके बाद ये कहानी हो गया और मैंने यहाँ से एक ही प्रीमियम इनका दे पाया। लास्ट में सर्च बाय डेट कितना तारीख को था, मैं 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए 1788 रुपये मिहिर देव और डेट 10/1 को मैंने एक ही पॉलिसी प्रीमियम कर पाया, इसके बाद और कोई पॉलिसी प्रीमियम नहीं कर पाया क्योंकि डेट है, सब कुछ है, फिर भी नहीं दिखता है और पॉलिसी प्रीमियम नहीं हो पाता है। आप सभी ने देखा सेम चीज़ है, मैंने जस्ट यहाँ पे एक ही नंबर का चेंजेस है, एक दिखता है दूसरा नहीं दिखता है, पेटीएम में दोनों दिखता है, ठीक है। और स्पाइस मनी में कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कुछ देर पहले भी अभिजीत नहीं दिख रहा था, अभी कुछ देर पहले एक बार मैंने ट्राई किया तो अभिजीत दिख रहा है। इसके बाद हमने सोचा चलो RNFA ने भी ये सेम चीज़ किया है तो हम वहाँ से एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर हम चले गए RNFA वाला पोर्टल पे और यहाँ पे जाके अपना पॉलिसी नंबर अभिजीत का नंबर पहले डाला, 4090434 56
और ईमेल आईडी नंबर डालो। ईमेल आईडी नंबर पे binoyiist@gmail.com डाला, क्योंकि अभी ईमेल आईडी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने ड्यू जब भी हो जाएगा ना, पॉलिसी डेट अगर ड्यू हो जाता है, मान लीजिए 28 तारीख को आपका प्रीमियम था, जनवरी की 28 तारीख प्रीमियम था, ये प्रीमियम आप फेब्रुआरी की 28 तारीख भी पे कर सकते हो, जो भी पेनल्टी होगा पेनल्टी के साथ, ठीक है। पर वो चीज़ स्पाइस मनी से नहीं हो पाता है, अगर पेनल्टी रहता है तो स्पाइस मनी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम RNFI पे गए और यहाँ पे ये सारी चीज़ डाला, फिर व्यू बिल में मैंने कर दिया क्लिक। तो ये अभिजीत का है, देख सकते हैं अभिजीत का नाम का जो स्पेलिंग, इसका पहले दो दो अक्षर डाला है यहाँ पे अभिजीत देवनाथ, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है दिख रहा है 3043 रुपये, बाकी सारी चीज़ नहीं दिखाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने ना इसको चेंज किया, इसको कॉपी किया, फिर से मैं एक बार LIC में क्लिक करता हूँ और पॉलिसी नंबर डाला और binoyiist@gmail.com डाला और 6 के जगह मेरा जो पॉलिसी है 457 वो डाल दिया। फिर व्यू बिल पे, फेच बिल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिपिका दास का LI ही सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं और दिख रहे हैं, 5001.04 रुपये। पेटीएम में देखिए सेम, पेटीएम में अगर इसको आप 7 कर देंगे और गेट प्रीमियम में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 5001.04 रुपये, 28/1/2022 को लास्ट डेट है। तो मुझे क्या करना है, अभी मेरे वॉलेट में पैसा है 21,800, मैं मुझे पे कर देना है तो मैं पे कर देता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को भी करना है, और यू आर श्योर बोल रहा है तो ओके बटन में आपको करना है क्लिक। जैसे ओके बटन में क्लिक करते हैं आपके पास जो है यह सारा डिटेल आ जाएंगे और आप देख ही पा रहे हैं पेमेंट हो चुके हैं और प्रीमियम जो है यहाँ पे हो चुका है। अब क्या होगा, 30 मिनट के अंदर में, 15 to 30 मिनट के अंदर पे मेल आईडी पर आपका पॉलिसी का जो पेपर है वो चले आएंगे, आप कस्टमर को आराम से इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर को आप ये भी अभी फिलहाल समय के लिए प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास रिकॉर्ड रहे, और इसके बाद आप उनकी पॉलिसी के जो डिटेल है उसको बाद में प्रिंट करके दे सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर बाद में अगर जो आता है आपके पास पॉलिसी पेपर वो किस तरह से आता है। कुछ इस तरह से आएंगे LIC ऑफ इंडिया पेमेंट रिसिप्ट, और देख सकते हैं कस्टमर का जो हमने पे किया था 10 जनवरी को, जो स्पाइस मनी से नहीं हो पाया था वो सारे के सारे प्रीमियम हम लोगों ने RNFI से कर दिया था। नेम जमुना रॉय शाह, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, पेमेंट डेट 10/1/2022, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट अमाउंट 6,810, और कुछ इस तरह से LIC का जो प्रीमियम है वो आ जाएंगे, साथ ही साथ आपके नेक्स्ट ड्यू डेट भी यहाँ पे दिखाई देगा। सो मेरा जो काम था आप लोगों के लिए कि LIC प्रीमियम आप कहाँ से इजीली दे सकते हैं वो मैंने आप लोगों को, मेरा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोगों ने देख लिया है। आप आगे से LIC प्रीमियम अगर आपको पेमेंट करना है तो आप दोनों में से किसी भी पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से, किस पोर्टल किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, किस पोर्टल किस तरह से आपको रेस्पॉन्स कर रहा है, इस हिसाब से आप पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा काम था कंपैरिजन करना, मेरा काम था असल में जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को आप लोगों के सामने रखना ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस पोर्टल में कौन सा सर्विस जो है इस समय बेहतर चल रहा है। सो LIC प्रीमियम के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको पेटीएम से ही करना है, LIC नहीं हो रहा है तो फिर कस्टमर को घुमा के लौटा देना है, कस्टमर को लौटा के भेज देना है अपने घर, या फिर अगर आपके पास RNFI है वहाँ से प्रीमियम कर देना है, ये सारे के सारे चीज़ जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।